फ्रेंड्स, लौकी की बहुत सारी रेसिपीज आपके सामने शेयर की हूँ। लौकी की दाल, लौकी की सब्जी, लौकी के हलवा की रेसिपी आज की रेसिपी है, लौकी की लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। और ये बनाने वाली है मेरी मदर इन लॉ और बहुत ही ज्यादा अच्छे से बना रही है। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो लौकी का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बहुत ही छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा लौकी लिया है, और ये ज्यादा बड़ा वाला नहीं है, ज्यादा बीज नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसको पील कर लेते हैं, और ये जो छिलका निकाल रहे हैं, इस छिलका का भी मैंने एक रेसिपी बनाया हुआ है, वो भी जल्द आपके सामने शेयर करूंगी। और जैसे छिलका निकल जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बीच से स्प्लिट करेंगे इस तरह से, और फाड़ करके इसको, इसके बीच का ये जो गुद्दा होता है उसको हम निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, लड्डू बनाने में जो होता है सही होता है और थोड़ा सा लड्डू परफेक्ट बनता है। तो इसका बीज वाला, इस तरह जो है बीज वाला जो पार्ट होता है, उसको हम काट करके इस तरह से चाकू की सहायता से निकाल के बाहर कर देंगे। तो इसका अंदर का हमने निकाल दिया है, और उसका यहाँ पे हम इसको करेंगे कद्दूकस, काफी अच्छे से कद्दूकस कर, अच्छे से इसको कद्दूकस कर ले, कद्दूकस कर लेंगे। और कद्दूकस करने के बाद, कद्दूकस करने के बाद निचोड़ करके इसके अंदर का जितना भी पानी है उसको हम निकाल देंगे। इससे क्या होगा, ज्यादा पानी पानी नहीं रहेगा और लड्डू हमारा बहुत ही जल्दी और परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो बिल्कुल दबा दबा करके इस तरह से हम इसका पानी निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम सारा पानी निकाल लेते हैं, बिल्कुल दबा दबा करके। हम लेंगे कढ़ाई, उसमें पानी जोड़ देंगे, 2-3 टेबल स्पून के आसपास देसी घी। जब हम लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी ज्यादा पानी पानी नहीं छोड़ेगा। कैसे बनाते हैं और ज्यादा चेक करें मेरे चैनल पे, वीडियोज आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद हम डाल देंगे घी में हमारा ये कद्दूकस किया हुआ हमारा लौकी, और फिर काफी अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे। तो ढक ढक के भूनना है, जिससे काफी अच्छे से कद्दू हमारा लौकी, इसको बहुत लोग कद्दू भी बोलते हैं, हम लोग कद्दू भी बोलते हैं इसको, तो इसको ढक देंगे और ढक ढक करके इसको बार बार चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसका मॉइस्चर उड़ाने तक इसको पकाना है। उसके बाद यहां पे हमने डाला है 0.5 लीटर के आसपास दूध, पैकेट वाला दूध है। यहाँ पे आप कोई सा भी दूध ऐड कर सकते हैं, काउ मिल्क हो गया, चाहे भैंस का, कोई भी दूध ऐड कर सकते हैं जो भी आप खाते हैं। और दूध डाल करके काफी अच्छे से इसको पकाना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आधी ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप के आसपास चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा रख सकते हैं, मीठा अगर कम और ज्यादा खाते हैं तो। और चीनी डाल करके काफी अच्छे से इसको पकाना है, तो कोशिश करें ढक ढक के पकाएं, जिससे लौकी काफी अच्छे से पके भी। तो बीच में चलाते हुए इस तरह से पकाएं। देख सकते हैं बहुत ही कम रह गया है हमारा, पकाते पकाते बहुत ही टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। यकीन मानिए दोस्तों, लौकी का लड्डू हलवा भी मैंने बनाया हुआ है, हलवा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है फूड कलर, ग्रीन कलर का, जिससे क्या है कलर बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, ऑप्शनल है बिल्कुल, आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल भी एड नहीं करे। उसका डाला यहाँ पे 0.5 चम्मच के आसपास इलायची पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इन सभी को डाल करके काफी अच्छे से इसको भूनते जाना है। और फिर यहाँ पे डाला है लगभग 0.5 कप के आसपास नारियल का बुरादा, नारियल का पाउडर आप बोल सकते हैं, यानी आप कच्चे नारियल को भी थोड़ा सा ग्राइंड करके या फिर कद्दूकस करके डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे नारियल का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको डाल करके कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, जब तक कि बहुत ही अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो बस हो चुका है, इसको निकाल करके एक प्लेट में इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथों में घी लगा करके बनाइएगा तो बहुत ही गोल गोल सा परफेक्ट बनेगा। ये देखिए सारे लड्डू बनकर के रेडी है, इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के लिए यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स में कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैंने खरबूजे का बीज लिया है, बादाम है, पिस्ता है, इन सभी को कट करके थोड़ा सा अच्छे से गार्निश कर देंगे। तो मेरा हमारा लड्डू
बिल्कुल टेस्टी, बिल्कुल लजीज लड्डू, देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, खूबसूरत। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको जरूर क्लिक करिएगा। और आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी ऐसी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लेकर के आती रहूंगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।